देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसकी सुरक्षा में लगभग 500 से ज्यादा एसपीजी कमांडो तैनात रहते हैं। जब व्यक्ति कहीं आता जाता है तो उसकी दौरे की पूरी रूपरेखा लगभग 1 से 1.5 साल पहले तय कर दी जाती है। जब वो कहीं जाता है तो पूरा प्रदेश प्रशासन उसकी सुरक्षा में तैनात हो जाता है। उस व्यक्ति को लगभग 2 दशकों पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा सड़क पर रोक लिया गया था, आगे जाने को मना कर दिया था। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयोग। आज हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनसे जुड़े हुए कुछ राजनीतिक अनसुने किस्से जो कि मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। किस्सा उस समय का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए गए थे। उस समय मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव नजदीक थे, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। उस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लिहाजा केंद्र की सारी ताकतें मध्य प्रदेश में झोंकी जा रही थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर जाकर ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे। रैलियों का सिलसिला चल रहा था, इसी दरमियान अटल बिहारी वाजपेयी की रैली जगदलपुर में हुई। उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, जगदलपुर नक्सली प्रभावित क्षेत्र था। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जनसभा में भारी संख्या में जनता मौजूद रही। सारी जनता ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने लगा। ऐसे संकेत मिल रहे थे कि इस बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित है। इसके बाद खुशी खुशी प्रदेश प्रभारी नरेंद्र मोदी एक छोटे विमान से भोपाल रवाना हुए। चूंकि विमान छोटा था, जिस वजह से उन्हें माना एयरपोर्ट से भोपाल तक आने में लगभग 2 घंटे का समय लग गया था। जैसे ही नरेंद्र मोदी का विमान भोपाल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 एम्बेसडर गाड़ियां और कुछ कार्यकर्ता उनके स्वागत में पहुंचे। उस समय नरेंद्र मोदी के साथ कुछ पत्रकार भी मौजूद थे। सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय की तरफ रुख करने लगे। तभी अचानक हमीदिया चौराहे के पास नरेंद्र मोदी की गाड़ी रोक दी गई। उस समय मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का काफिला निकलने वाला था, जिस वजह से यातायात पुलिस ने पूरे यातायात को रोक दिया था। लिहाजा नरेंद्र मोदी की गाड़ी भी रुकी हुई थी। अचानक से भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता अपनी गाड़ियों में से उतरे और तेज स्वरों में कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी इस गाड़ी में है। लेकिन पुलिस कर्मियों ने उनकी एक ना सुनी। पुलिस कर्मी अपने स्थान से टस से मस नहीं हुए। हमें पता है कि दिग्विजय सिंह सरकार में कहां आम जनता की बात सुनी जाती है, तो फिर ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। आखिर में गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी से उतरते ही कड़क शब्दों में कहा, थानेदार साहब कुछ दिन इंतजार करो, जल्द ही सब पता लग जाएगा। लेकिन इस इंतजार को लगभग 5 साल से ज्यादा का समय लगा। एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। एक बार फिर से दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। स्थिति तो ये भी हो सकती है कि शायद दिग्विजय सिंह प्रधानमंत्री मोदी के सामने समय खड़े होने से पहले 2 बार सोचते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ अगला किस्सा भी लगभग 1998 का है, जब मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता उन्हें बिना किसी वजह से टेढ़ी निगाहों से देखने लगे थे। उस समय कुशाबाहू ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनके साथ महामंत्री का पद नरेंद्र मोदी संभाल रहे थे। उसी समय नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का नया नया प्रभारी नियुक्त किया गया था।
मध्य प्रदेश से पहले नरेंद्र मोदी हिमाचल और गुजरात के भी प्रभारी रह चुके थे, जिसके बाद लोगों का कहना था कि नरेंद्र मोदी जहां के प्रभारी बनाए जाते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो जाती है। लेकिन ये बात बीजेपी के तत्कालीन दिग्गज नेताओं को पसंद नहीं आ रही थी। नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका उनको लुभा नहीं रहा था, जिस वजह से नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश में हल्के फुल्के विरोध का सामना करना पड़ा। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में राजधानी भोपाल पहुंचे थे, उस समय उनके पीछे सैकड़ों की संख्या में पुलिस प्रशासन और हजारों की संख्या में सिक्योरिटी फोर्स मौजूद था। इसी तरह के रोचक अनसुने और मजेदार किस्सों के लिए देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें फेसबुक पेज पर लाइक कर सकते हैं, साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।